एग्जाम्पल्स में आ गए का एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन तक हो गया था, आप सातवें एग्जाम्पल की बात कर रही थी, तो सातवां एग्जाम्पल जो देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है सातवें एग्जाम्पल में, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंटर स्टेट, है ना। अब देखो यहाँ पे तीनों आ गए, अब जब SGST, CGST, IGST, अभी तक 6 एग्जाम्पल तक देखो हम लोग सिंपल सा इसी में डील कर रहे थे, IGST में नहीं डील कर रहे। अब जैसे ये तीसरा आ गया ना, अब आपको ATC चार्ट में भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि क्रॉस क्रेडिट एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। यहाँ तो नहीं किसी का ओके वो ओके। सो वापस एग्जांपल जरा समझते हैं हम लोग। सातवें एग्जांपल में वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंटर स्टेट है कितना, 1200 रुपीज, ठीक है। तो इंटर स्टेट सप्लाई हम कितना कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं कितना, 1200 का। IGST रेट ऑन सप्लाई ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज 18%, ठीक। वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट कितना, 1000। SGST CGST रेट इज 9% ईच। खरीद रहे अपने स्टेट में, बेच रहे हैं दूसरे के स्टेट में, 1000 का गुड्स अपने स्टेट में खरीद रहे हैं लेकिन बेच रहे हैं दूसरे स्टेट में 1200 का माल। तो जरा देखो यहाँ पे, टैक्स पेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ रुपीज 1200 रुपीज। तो जरा ध्यान रखिएगा, हम दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो क्या लगेगा, IGST लगेगा। यहाँ गड़बड़ कर दिया भाई, यहाँ पे कितना होगा, IGST लगेगी 216 रुपीज। अपने बुक में सही कर लेना भाई, नोट्स में। अब देखो यहाँ पे टैक्स पेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स दूसरे स्टेट में बेचेंगे तो 216 रुपये हमें IGST कलेक्ट हुआ, इसको हम क्या लिखेंगे, आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो ये आउटपुट टैक्स हुआ। अब इसमें से लेस कर देंगे क्या, लेस इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स जरा देखिए, इनपुट टैक्स में जरा देखिए क्या है, SGST और CGST। SGST जो है ना, अब 90% दिया है, CGST भी 90 रुपीज दिया, सॉरी। अब देखिए इसको लेस कैसे करना होगा, सबसे पहले पता है CGST, इसके लिए आपको तो चार्ट देखना पड़ेगा, मैं चार्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। हम लोग को क्या करना है, आउटपुट IGST देखना है। आउटपुट IGST में कुछ अमाउंट है, आउटपुट IGST इज अ लायबिलिटी, आउटपुट CGST इज अ लायबिलिटी, आउटपुट SGST इज अ लायबिलिटी। तो अब यहाँ पे हम लोग आउटपुट का अमाउंट, आपका अमाउंट थोड़ा, आपका अमाउंट चेक करते हैं। ये शेयर करने वाला जो इशू है ना, तो आउटपुट में जो देखिए यहाँ पे क्या है, 216 रुपीज़ है और 90 रुपीज़ यहाँ पे, तो 216, यहाँ देखो यहाँ पे 216 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे कितना है CGST, SGST, CGST में है कितना, 90 रुपीज़। ओ सर, 216 रुपीज़ तो IGST का है ना। हाँ, अरे सॉरी, इसे कहाँ लिख दिया मैंने, गलत जगह। गुड अनिशा, IGST का अमाउंट है 216 रुपये, 216 हो गया। CGST अमाउंट कितना है, 90 रुपीज़। SGST अमाउंट भी कितना है, 90 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे IGST है, CGST, SGST तो आउटपुट है ही नहीं, सिर्फ आउटपुट IGST। आउटपुट IGST में सबसे पहली चीज़ बताओ क्या लेस होती है, सबसे पहले IGST लेस होती है इनपुट, लेकिन इनपुट IGST में कुछ अमाउंट ही नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इस 216 में से क्या लेस होगा, अब ये कैसे रिड्यूस होगा, तो
तो आईजीएसटी से तो रिड्यूस नहीं हो सकता है, मेरे पास सीजीएसटी में अमाउंट पड़ा हुआ है 90 रुपीज, वो हम पहले इसमें से रिड्यूस कर देंगे. ओके, तो यानी कि इस 216 में से माइनस होगा पहले 90 रुपीज. कौन सा? 90 रुपीज सीजीएसटी का. 90 रुपीज क्या चीज लेस हो रहा है? सीजीएसटी, है ना. फिर लेस करेंगे, 90 रुपीज लेस करने के बाद भी आईजीएसटी पड़े बचा है, तो उसमें से हम 90 रुपीज एसजीएसटी भी लेस कर सकते हैं. देन अगेन 90 रुपीज लेस होगा. इस बार जो 90 रुपीज लेस कर रहे हैं, ये क्या लेस कर रहे हैं? एसजीएसटी. अब बताओ बचेगा क्या? बचेगा. उसके बावजूद अभी आपके पास आईजीएसटी का अमाउंट बचेगा, लेकिन हाँ सीजीएसटी एसजीएसटी आपका नील हो जाएगा. ठीक है, तो क्रेडिट बचेगा. हाँ बिल्कुल सही. 2016 माइनस 90 रुपीज माइनस 90 रुपीज, सॉरी 36 रुपीज यू हैव टू पे. यही आईजीएसटी का अमाउंट है जो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. सबको समझ में आ गया? यस सर. इसको हम लोग कहते क्या है? इसको हम लोग क्रॉस एडजस्टमेंट कहते हैं. क्रॉस एडजस्टमेंट समझ रहे हो ना? जब सीजीएसटी सीजीएसटी हो जाए, एसजीएसटी एसजीएसटी हो जाए, जैसे अभी तक के 6 एग्जांपल्स में ऐसे ही हो रहा था, तब उसको तो सिमिलर एडजस्टमेंट कह रहे थे. अभी क्या है? आईजीएसटी से सीजीएसटी एडजस्ट हो रहा है, सीजीएसटी से एसजीएसटी एडजस्ट हो रहा है, सॉरी सीजीएसटी से आईजीएसटी एडजस्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्रॉस एडजस्टमेंट कहते हैं. और जब क्रॉस एडजस्टमेंट आता है ना, तभी इस चार्ट को आपको देखना पड़ेगा. आइदर आपको चार्ट देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. आगे देखते हैं. 36 रुपये आपको आईजीएसटी पे करना है. सीधा सीधा हिसाब यही है. एग्जाम्पल रेट. अब 8वां एग्जाम्पल जो देखिए सब लोग. वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंटर स्टेट सप्लाई. हम दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं 100 का माल, और 1100 रुपये का अपने अपने डोमेस्टिक मतलब अपने ही स्टेट में बेच रहे हैं. आईजीएसटी रेट इज एप्लीकेबल 18%. ठीक है. वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट. खरीद रहे हैं अपने स्टेट में, बेच रहे हैं कुछ माल अपने स्टेट में, कुछ दूसरे स्टेट में भी बेच रहे हैं, तो समझ ही रहे हो. सीजीएसटी एसजीएसटी रेट 9% है. अब देखो आउटपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स है कितना? पैसा बिजनेस होता है ना भाई. नॉर्मली क्या होता है, हम दूसरे स्टेट से लाते हैं अपने स्टेट में बेचते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे स्टेट से ला रहे हैं अपने स्टेट में भी बेच रहा है, और दूसरे स्टेट सॉरी इसमें उल्टा केस है. इसमें अपने स्टेट से खरीद रहे हैं, अपने स्टेट में भी बेच रहे हैं और दूसरे स्टेट में भी बेच रहे हैं. आउटपुट सप्लाई दोनों जगह हो रही है, इनवर्ड अपने स्टेट में हो रहा है. तो 100 रुपीज़ का माल जो हमने क्या किया, दूसरे स्टेट में बेचा है, उस पर 18% जीएसटी 18 रुपये हो गया, आईजीएसटी लगा. देन अगेन आउटपुट टैक्स लगेगा. अगेन आउटपुट टैक्स देखिए किस पे लगा. 1100 जो इंट्रा स्टेट सप्लाई की हो, 99% 99 रुपीज. अब इनपुट खरीदारी कहाँ किए थे? खरीदारी तो अपने स्टेट में हुआ था सर, तो ये लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा इनपुट टैक्स. ठीक, 90 रुपीज. तो आपको पता है 90 रुपीज एसजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा. इन्होंने ऐसा किया, बट ऐसा होगा नहीं, ये गलत है. ये जो सॉल्यूशन यहाँ किया गया है, ये थोड़ा सॉल्यूशन गड़बड़ है. तो मैं इसके सॉल्यूशन को आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. कहाँ पे? एक्सेल वाली फाइल पे. यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इस पे बता रहा हूँ. आईजीएसटी में अमाउंट कितना है? 18 रुपीज. ठीक है. यहाँ कितना था? यहाँ था 99. सीजीएसटी एसजीएसटी में भी कितना था? 99. जबकि सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट तो वही है, अपने स्टेट में खरीदारी किए थे तो अपने स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी लगा था, बेचे थे दूसरे स्टेट में 100 रुपये का माल, और 1100 तो ये. ठीक है. अब सबसे पहले देखो हमको आईजीएसटी रिड्यूस करना है, तो सबसे पहले तो हम आईजीएसटी रिड्यूस करेंगे. आईजीएसटी तो है नहीं जो आई रिड्यूस कर सके. हाँ, सबसे पहले हम क्या रिड्यूस करेंगे? सीजीएसटी से रिड्यूस करेंगे. आई थिंक सीजीएसटी में 90 रुपीज है, और आउटपुट आईजीएसटी 18 रुपीज है, तो पूरा एडजस्ट हो जाएगा, है कि नहीं है? तो इसमें से हम पूरा का पूरा माइनस करेंगे क्या? 18 रुपीज. लेकिन 18 रुपीज जो माइनस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसका अमाउंट आ रहा है?
सीजीएसटी का अमाउंट बाहर है। अब ये देखो जीरो हो गया, नील हो गया, इससे लेस हुआ है इनपुट, तो इनपुट सीजीएसटी से पूरा का पूरा नील हो गया। अब इनपुट, अब सीजीएसटी में अमाउंट बताओ कितना बचा हुआ है, कोई बताएगा? अब सीजीएसटी में से 18 रुपये चूंकि लेस हो चुका है, अब बचा कितना? 90 रुपये में से 18 रुपये गया, कितना बचा? 72 रुपीज़ अभी सीजीएसटी में पड़ा हुआ है। अभी 72 रुपीज़ को सीजीएसटी को किससे एडजस्ट करेंगे? फर्स्ट नंबर पे आईजीएसटी से एडजस्ट करते हैं, सेकंड नंबर पे सीजीएसटी से एडजस्ट करते हैं। तो सेकंड नंबर पे सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, सीजीएसटी में कितना लेस हो जाएगा? 72 रुपीज़। अब यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ कि सीजीएसटी, क्योंकि आपको पता है सीजीएसटी सीजीएसटी ही लेस होगा। अच्छा नहीं, लिख देता हूँ, आईजीएसटी तो है नहीं। ठीक है, अब बताओ बचेगा कितना? 99 में से 72 रुपीस गया, 27 रुपीस। सही बोलो, गुड। तुम्हें 1 किलो लड्डू मिलना चाहिए। चलिए 27 रुपीस आपका सीजीएसटी का बैलेंस बचा। अब इस 90 रुपीस जो एसजीएसटी है, अब ये कहाँ एडजस्ट होगा? अच्छा यहाँ 72 रुपीस तो खत्म हो गया ना, पूरा 72 यहाँ पे एडजस्ट हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखिए 90 रुपीज़ एसजीएसटी, ये सीधे सीधे किससे एडजस्ट हो जाएगा? इस एसजीएसटी से, क्योंकि आईजीएसटी में तो देखो इनपुट एसजीएसटी को सबसे पहले लेस करते हैं आईजीएसटी से, तो लेकिन आउटपुट आईजीएसटी तो नील हो चुका है। तो अब क्या बचा? अब एसजीएसटी को फाइनली कहाँ से एडजस्ट करोगे? सेकेंड नंबर पे एसजीएसटी से, तो इसमें से 90 रुपीज़ लेस हो जाएगा, बचेगा कितना? 9 रुपीज़। ठीक है, तो आपको पता है आउटपुट यानी लाइबिलिटी आपकी कितनी बची? आईजीएसटी में 0 है, ठीक है, सीजीएसटी में कितना है? 27 रुपीज़ है जो देना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना? 9 रुपीज़। टोटल मिला के हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है? टोटल टैक्स यहाँ सम कर देते हैं, टोटल टैक्स हमें देना है 36 रुपीज़। लेकिन हाँ, जब चलान बनेगा तो सीजीएसटी चलान बनेगा, सीजीएसटी में 27 रुपीज़ जमा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एसजीएसटी में कितना, स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा? 9 रुपीज़। तो ये एडजस्टमेंट का सर, दोनों का अलग अलग चलान बनेगा ना? बहुत मार मारेंगे, बहुत 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 मार मारेंगे। तुम लोग को चलान बनाना सिखाया हूँ, चलान एक चीज बनेगा होगा, चलान इवेंट करने भी आपको सिखाया होगा। आप सिंपल सा क्या करिए, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ चालान जनरेट करिए, और जब चालान जनरेट करते हैं तो वहाँ बताते हैं कितना आईजीएसटी हम जमा कर रहे हैं, कितना सीजीएसटी का जमा कर रहे हैं, कितना एसजीएसटी, yes, yes, तीनों एक साथ एक ही अपना, तीनों का अलग अलग चालान नहीं बनता है? नहीं, नहीं। बनाया होगा, नहीं बनाया, सही से बताना। बनाया सर, बनाया सर, याद आ गया। वही होता ना, सब रहता दिमाग में, रिकॉल नहीं करता। सर चलान का आइकन बना हुआ है, सर थप्पड़ का आइकन बना हुआ है जो ऐप पे, वही देख के देख रहा है। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया। यस सर, तो यहाँ पे बस मैं सही कर दे रहा हूँ, यहाँ सॉल्यूशन थोड़ा गड़बड़ है। आईजीएसटी कुछ नहीं देना था, आईजीएसटी 0, सीजीएसटी में कितना आया था? 27 रुपीज, और यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे कितना था? 9 रुपीज एसजीएसटी। उल्टा है ना, इसमें उल्टा बना हुआ है, क्यों? क्योंकि पहले था ना, पहले सीजीएसटी से पहले एकदम लास्ट में पहले आईजीएसटी में एडजस्ट करते थे, अब तो सबसे पहले एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे 18 रुपये लेस हो गया, छोड़ो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, वो अपना समझदारी दिखानी है, समझना है। किसी सॉल्यूशन नहीं छोड़ो, जाने दो। अगला क्वेश्चन दे, देखिए भाई देंगे अगला पासवर्ड है ये 9 नंबर, ठीक है ना? 9 नंबर को हम लोग देखते हैं, बहुत बड़ा घूमने। 9 नंबर में भी देखो अगला कुछ है, काफी कुछ दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई चलिए चेक करते हैं।
एक मिनट, बस एक मिनट के लिए ओके सॉरी फॉर पॉज, वापस जल्दी से 10 तक आज हम लोग पढ़ेंगे, बाकी कल स्टडी करेंगे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट रेट सप्लाई कितना है 600, और वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट है 600, IGST रेट 18%, वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है 1099%। जो देखिए यहाँ पे अपने स्टेट में बेचा है कितना, दूसरे स्टेट में 600, अपने स्टेट में 600। आउटपुट टैक्स समझिएगा, लिखने की जरूरत है नहीं मुझे, आउटपुट टैक्स आप समझ लो 108 रुपये यहाँ हो गया, 54 रुपये SGST CGST हो गया, इनपुट टैक्स इसमें से लेस हो रहा है, यहाँ पे मैं बस लेस लिख देता हूँ। अब लेस होगा 90 रुपीज़ से CGST, 90 रुपीज़ SGST। आप सभी को पता है पहले 90 रुपीज़ लेस हो जाएगा IGST से, ठीक है। एक मिनट मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अपने चार्ट पे हो जाते अच्छा है, तो ये मैं पूरा मिटा रहा हूँ। यहाँ पे कितना है 108 रुपये, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे था आपका 54 रुपये था ना, यहाँ पे भी 54 रुपये। तो एक बार मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, 54 108 रुपये, ठीक है। एक मिनट और अगेन, हाँ कमल ऑडियो नहीं ऑन, समझे उल्लू। ओके चलिए ऑडियो ऑन हो गया, अब इधर देखिए सब लोग 600 हो गया, अब 90 54 54, इनपुट टैक्स कितना था 90 रुपीज़। अब एडजस्टमेंट करते हैं, इसमें से सीधा सीधा IGST से कितना हो जाएगा और CGST SGST में कितना हो जाएगा। IGST में हो जाएगा आपका 90 रुपीज़, सबसे पहले लेस होगा, उसके बाद फिर लेस होगा कितना 18 रुपीज़। अब जरा आपको, अब आपको यही समझना है 90 रुपीज़ पहले क्या लेस हुआ है CGST। आप सब तक कई लोग सोचते होंगे CGST की जगह SGST नहीं कर सकते, कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई मना ही नहीं किया है। आप चाहे तो पहले CGST लेस कर लो, कोई टेंशन नहीं, चाहे SGST लेस करो चाहे CGST लेस कर लो, फाइनली दोनों में से रिड्यूस तो होना ही आपका टैक्स। 18 रुपीज़ कर लिया SGST, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो SGST तो पूरा 90 रुपीज़ खत्म हो गया नील, CGST में से कितना निकला है 18, तो अगर 18 रुपीज़ इसमें से निकल गया तो कितना बचा 72 रुपीज़। तो 72 रुपीज़ अभी आपके पास SGST है, अब इस SGST को किसमें से लेस करोगे, SGST से लेस करोगे कितना 54 रुपीज़ है ही, तो 54 लेस हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे SGST, तो यहाँ पे लेस हो गया इक्वल टू नील, ठीक है। और यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो गया,
यहाँ पे 72 में से माइनस हो गया 54 रुपीज, तो 54 6 60 6 18 रुपीज, 18 रुपीज अभी भी आपके पास एक्सेस क्रेडिट है एसजीएसटी में। एसजीएसटी में अभी भी आपके पास एक्सेस क्रेडिट रहेगा 18 रुपए। आपका सीजीएसटी पूरी तरीके से क्या हो गया, निल हो गया। अब यह देखिए टैक्स कितना बचा, यहाँ तो जीरो हो गया, यहाँ पे कितना देना है, यहाँ पे पूरा 54 रुपीज देना पड़ेगा और यहाँ पे भी कुछ नहीं देना है, ठीक है ना। बल्कि आपके पास एसजीएसटी आईटीसी एसजीएसटी अभी भी एक्सेस क्रेडिट है आपके पास 18 रुपीज, माइनस 18 रुपीज लिख दीजिए आप। तो माइनस 18 मतलब क्या हो गया, ये एक्सेस क्रेडिट है। तो यहाँ पे हो गया टैक्स, टैक्स पेबल, तो टैक्स पेबल है और ये एक्सेस क्रेडिट है, एक्सेस क्रेडिट, ठीक है ना। तो ये एक्सेस क्रेडिट आपको 18 रुपीज आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग इस अपने बुक के जो सॉल्यूशन है इसको भी सही कर लेते हैं। तो बुक के सॉल्यूशन को सही करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 108 आईजीएसटी तो निल है आपका, कुछ नहीं देना है। सीजीएसटी अमाउंट कितना है 54 रुपीस। एसजीएसटी में क्या हो जाएगा, एसजीएसटी में कुछ नहीं होगा, इसको नीचे हम लोग को एक लाइन ऐड करनी होगी। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्सेस क्रेडिट, एक्सेस क्रेडिट में सिर्फ एसजीएसटी में कितना 18 रुपीज है, ठीक है, और 54 रुपये हमें टैक्स लाइबिलिटी गवर्नमेंट को देनी है। तो बस इतना ही करते हैं, बाकी चलो 10वां क्वेश्चन हम लोग कल ही देखेंगे, काफ़ी लेट भी हो गया, ठीक है। तो मतलब ये चार्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा जब भी क्रॉस क्रेडिट एडजस्टमेंट होगा तब।